शहर स्थित शॉपिंग सेंटर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पुलिस के मुताबिक हमले में 10 लोग मारे गए हैं, इसमें से एक खुद हमलावर है। वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि हमले का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक म्यूनिख के शॉपिंग सेंटर में एक 18 साल के युवक ने फायरिंग की। इस युवक की पहचान ईरानी मूल के जर्मन नागरिक के तौर पर की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि हमले में मरने वाला 10वां शख्स खुद हमलावर ही था, जिसने फायरिंग करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इससे पहले हमले में 3 बंदूकधारियों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। यह हमला दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिख शहर के ओलंपिक स्टेडियम के पास स्थित ओइजेज शॉपिंग सेंटर में हुआ। उत्तर प्रदेश बीजेपी पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक बयान के बाद जिस तरह से मायावती ने इस पूरे मामले को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की भरपूर कोशिश की, दयाशंकर सिंह के बयान से बीजेपी बैकफुट पर आ गए। लेकिन अब बीजेपी ने पलटवार की ठानी है। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी मायावती पर दिए गए बयान के जवाब में दयाशंकर सिंह की बेटी और पत्नी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया। इसलिए बीजेपी दयाशंकर सिंह की बेटी के सम्मान में सभी जनपदों में बीएसपी का विरोध करेगी और बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर कार्रवाई की मांग करेगी। ऊना दलित अत्याचार मामले पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर दोषियों से साठगांठ का आरोप लगाए जाने के बाद गुजरात बीजेपी ने आप प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तर्क से तो आपको भी अपने सांसद भगवंत मान की करतूतों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। राज्य के बीजेपी प्रवक्ता भरत पांड्या ने कहा कि इस मुद्दे पर ये कहकर कि दलित अत्याचार मामले में बीजेपी सरकार की मिलीभगत है, केजरीवाल ने पूरी तरह से अपनी समझदारी में कमी को उजागर किया है। इस तरह के बर्बर कृत्य में कोई भी सरकार मिलीभगत के बारे में सोच नहीं सकती। अगर ये पैमाना लागू किया जाता है तो क्या दिल्ली में हो रहे सभी मामलों में उनकी सरकार की भी मिलीभगत है? रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक खास विमान से ताम्बरम एयरबेस पहुंच गए हैं। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना हुए एयरफोर्स के एक विमान AN-32 लापता होने के बारे में उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे से लापता इस विमान में 29 लोग सवार थे, इनमें 6 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। पर्रिकर ने बताया है कि एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक खोजी टीमों को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। 13 शिप, 5 विमान और 2 सबमरीन लापता विमान को आकाश, पानी और पानी के अंदर हर जगह तलाश रहे हैं। एयरफोर्स अधिकारियों के मुताबिक विमान से आखिरी संपर्क शुक्रवार सुबह 8:46 का है, जबकि रडार पर उसकी आखिरी लोकेशन 9 बजे की है। उस वक्त विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद रडार से अचानक संपर्क टूट गया। कोहिनूर की वापसी के लिए भारत सरकार के मंत्रियों के बीच विचार विमर्श का दौर शुरू हो गया है। 15 अगस्त के बाद इस बारे में सरकार यूनाइटेड किंगडम सरकार से बातचीत शुरू कर सकती है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार के साथ अब इस मसले पर बात होनी है। विदेश मंत्रालय के मुख्यालय जवाहर भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और संस्कृति और पर्यटन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के साथ विदेश और संस्कृति मंत्रालय के सचिव भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ ही देशवासियों की भावनाओं के मुताबिक कोहिनूर को इंग्लैंड के राजघराने से भारत वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यूपी में 2017 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 45 दिनों के अंदर 27 यात्राएं की जाएंगी और इसके अलावा वाराणसी में सोनिया गांधी का एक रोड शो भी होगा। पहली यात्रा शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय से निकाली जाएगी। ये यात्रा बस द्वारा की जाएगी। ये कुछ जिलों से होते हुए 3 दिन बाद कानपुर पहुंचेगी। इस यात्रा में सोनिया और राहुल गांधी के साथ CM कैंडिडेट शीला दीक्षित, AICC के महासचिव गुलाम नबी आजाद, राज्य अध्यक्ष राज बब्बर और कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष संजय सिंह होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अपनी एकता दिखाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी इस बस यात्रा में शामिल कर सकती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से 100 से अधिक मुस्लिम युवा लापता हो गए हैं और ऐसी आशंका है कि ये लोग आतंकी समूह ISIS में शामिल हो गए हैं। ये दावा शिवसेना के विधायक राहुल पाटिल ने शुक्रवार को विधानसभा में किया।
पाटिल का आरोप है कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM ISIS का समर्थन करती है। उन्होंने इस पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग की। उन्होंने मराठवाड़ा में परभनी से हाल ही में एक युवक की गिरफ्तारी का हवाला दिया जिसके तार कथित रूप से ISIS से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि यहां तक कि पुलिस को लगता है कि लापता हुए ये युवा ISIS में शामिल होने के लिए निकल गए हैं। दक्षिणी चीन सागर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद चीन की सेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों सहित कई नए हथियारों को सार्वजनिक किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी कमान ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में समुद्र और हवा में मार करने में सक्षम कई हथियारों को पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के उस फैसले की पृष्ठभूमि में इन हथियारों को राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिखाया गया जिसमें उसने दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज कर दिया था और फिलीपीन के दावे को बरकरार रखा था। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की ओर से हथियारों को इस तरह सार्वजनिक करने का मकसद ये दिखाना है कि दक्षिणी चीन सागर का मोर्चा संभालने वाली उसकी दक्षिणी कमान अमेरिका के साथ किसी भी संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार है। भारत ने सर विविन रिचर्ड स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को 8 विकेट पर 566 रन बनाने के बाद पहली पारी घोषित कर दी। इसके बाद वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले एक विकेट के नुकसान पर 31 रन जोड़ लिए। भारतीय बॉलर मोहम्मद समी ने राजेंद्र चंद्रिका को 16 रनों के स्कोर पर आउट किया। मेजबान टीम पहली पारी की तुलना में अभी भी 535 रन पीछे है। उसे पहले फॉलो ऑन बचाने के लिए खेलना होगा। ये वेस्टइंडीज के खिलाफ उसी के घर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। भारत के लिए कप्तान विराट कोहली ने जहां अपने करियर का पहला दौरा शतक लगाया और कई कीर्तिमान स्थापित किए, वहीं दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शामिल रविचंद्रन अश्विन ने 113 रनों की पारी खेली। विराट कोहली विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बन गए हैं। यही नहीं, वे कैरिबियाई धरती पर भी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। कोहली ने कैरिबियाई धरती पर सबसे बड़ी कप्तानी पारी संबंधी राहुल द्रविड का 10 साल पुराना रिकॉर्ड शुक्रवार को तोड़ा। इसके अलावा उन्होंने विदेश में बतौर कप्तान सबसे बड़ी 192 रनों की पारी का मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अजहर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ये पारी खेली थी। विराट कोहली विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बन गए हैं। यही नहीं, वे कैरिबियाई धरती पर भी सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं।